आगे एक रूम है जिसके एक कोने पे खड़े होकर आवाज दो तो दूसरे कोने में अपने आप आवाज चली जाती है। किसी ने तोप के गोले की जगह बोतल डाल दी अंदर। मैं अपनी इंस्टा आईडी पे उसकी स्टोरी लगाऊंगा, आप लोग बताना कि वो वाला रैप कराऊं, फुल ब्लैक रैप कराना है या फिर मैंने एक रैप देखा। जल्दी मोटिवेशन देखिए आपको डोमिनार पे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो भाई अभी सुबह के बज रहे 8 और हम निकल चुके हैं रेड फोर्ट के लिए। फोर्ट निकलने से पहले बनवा रहे हैं चाय और चाय पी के फिर आगे निकलते हैं। भाई कल इतनी ज्यादा गर्मी हो गई थी, बाइक की डॉक्यूमेंटेशन कराने में काफी टाइम लग गया था, तो 2-3 बज गए थे, बहुत ज्यादा गर्मी हुई थी। लेकिन रात में हो गई भाई बारिश, तो एकदम मस्त माहौल हो गया। जो डेवलपर ने बाइक ली है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कौन सी बाइक ली दिखा दूँ क्या। तो भाई चाय पी के निकल चुके हैं, यहाँ से रेड फोर्ट है लगभग 5 किलोमीटर दूर। कल हम लेने गए थे बैंड वाइप अपनी डोमिनार के लिए, लेकिन भाई बैंड वाइप तो मिला नहीं, लेकिन भाई एसेसरीज बहुत सारी ले ली है। तो भाई लगभग 5,000 का बिल हो गया था हमारा। पासगंज आने के बाद भाई बड़े वेकेशन की सीरीज आने वाली है भाई पूरी। और भाई कुछ भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई डोमिनार को कब मॉडिफाई कर रहे हो तुम, जल्दी मोटिवेशन देखिए आपको डोमिनार पर। मेरी इंस्टा आईडी पे ऐड नहीं है, नीचे इंस्टा आईडी आ रही होगी, आप जाके एक फॉलो कर सकते हो। भाई बारिश होने की वजह से अभी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, आज धूप तो बहुत कम है देखो, लेकिन क्या अब ये क्या पता लौट के आए तक धूप काफ़ी तेज हो जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन मौसम अभी तो हाल फिलहाल में तो भाई मौसम एकदम मस्त हो रखा है। भाई आप लोग बताना कि अपनी डोमिनार को फुल ब्लैक रैप कराना है या फिर मैंने एक रैप देखा। मैं अपनी इंस्टा आईडी पे उसकी स्टोरी लगाऊंगा, आप लोग बताना कि वो वाला रैप कराऊं, कि ज़्यादा कमेंट आएंगे वही वाली रैप कराएंगे हम लोग। और भाई यहाँ से रेड फोर्ट रह गया 1 किलोमीटर दूर, तो जल्दी चलते हैं और डेवलप भाई पहुँच गए आगे। और भाई यहाँ के घर देख रहे हो आप, ये सब मतलब एक ही कलर में पेंट है सारे थोड़े से, और ये काफ़ी पुराने हैं। ये जिस कलर का रेड फोर्ट है रेड कलर के सारे पेंटेड हैं, और जैसा रेड फोर्ट पेंट है वैसा ये सारे पेंटेड हैं। तो भाई पहुँच चुके हैं रेड फोर्ट और बाइक को करते हैं पार्क, उसके बाद चलते हैं अंदर। तो भाई कल जो सामान लिया था उसमें से एक ये भी चीज़ थी, तो ये एक हेलमेट लॉक है, ये है इसका पासपोर्ट भाई, आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग चाहो तो हेलमेट चुरा सकते हो हमारा। तो भाई वहाँ टिकट काउंटर और इधर ऑनलाइन के लिए भी है, एक बार चेक करते हैं होता है कि नहीं। ताजमहल वाला तो हुआ नहीं था, यहाँ का देखते हैं। तो भाई टिकट तो ले लिए और सामने आप रख के आगरा फोर्ट का एंट्री गेट, सिक्योरिटी चेक हो गया और अब चलते हैं अंदर। अंदर कुछ ऐसा है, ऊपर थोड़ा स्लोप टाइप का, इस पर चढ़ना पड़ता है ऊपर तक। भाई भीड़ भाड़ तो कुछ ज्यादा ही है। भाई दूसरी गेट के बाद कुछ ऐसा नजारा है, गार्डन भाई कितना मेंटेन रखते हैं ये लोग गार्डन, और इधर से देखो भाई साफ साफ लिखा हुआ है फूल पत्ती तोड़ना और घास पर चलना मना है। अंगूरी बाग भाई इधर साइड है, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है खास महल और अंगूरी बाग दोनों इस साइड है, तो अभी चलते हैं आपको लेके। लेकिन भाई मैं इससे पहले जब आया था तो आगे जो पेड़ दिख रहा है आपको, वहाँ पर एक भैया थे जो खाने का सामान अपने हाथ में रखते हैं और जिससे गिलहरी हाथ पर आ जाती है। अगर आपके पास कुछ हो तो वैसे भी नॉर्मली भी आ जाती हैं, एक बार चेक करते हैं कि नहीं। देखो जैसे कि ये गिलहरियाँ हैं, ये आ जाती हैं हाथ पर, देखो भाई आ गई। भाई देखो यहाँ पे एक कुआ भी है, बंद है लेकिन ऊपर से ढका हुआ है। भाई पैसे पड़े हैं अंदर, अपना फोन डाल के देख रहा है कुएं की गहराई ना पेगा। उधर रखी हुई एक तोप, देवल भाई को उड़ा के देखता हूँ। चलो कौन किसको उड़ाता है देखते हैं आज। भाई धीरे धीरे तोप हमारे करीब आती जा रही है, या हम तोप के करीब जाते जा रहे हैं। चलो तुम्हें तोप के आगे बैठाता हूँ। ब्रिटिश कैनन, इसके अंदर तो कुछ पड़ा हुआ है गाइस, बोतल डाल दी है किसी ने तोप के गोले की जगह बोतल डाल दी अंदर। कोको कोला की बोतल पड़ी हुई है और एक स्प्राइट की पड़ी हुई है। वाह पार्टी है भाई, जो भी आए देख रहे हो भाई। गोले के साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल रही है। गोला किधर से पड़ता है, साइड से? गोला आगे से, साइड से पड़ता है। साइड से कहाँ से, आगे से पड़ता है गोला, आगे लगता है, पीछे से इधर से आग लगती थी। ये जो है ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे वो एक डोरी टाइप निकलती थी उसमें आग लगाते थे और आगे गोला डालते थे, वो आगे भाग जाते थे। तो भाई चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं दीवाने खास। भाई यहाँ चल रहा है थोड़ा सा काम, क्योंकि कलर थोड़ा फेड हो गया है इसकी वजह से काम करवा रहे हैं। पहले यहाँ पे था गोल्डन, उधर कंस्ट्रक्शन एरिया लग रहा है। तो भाई ये दीवाने खास, यहाँ पे जो अकबर जो थे वो यहाँ पे अपने जैसे बड़े बड़े उनके ऑफिसर्स जो थे उनको वो यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। उधर जो आपको विंडो दिख रही है इधर रानियां बैठा करती थी, सिर्फ प्राइवेट मीटिंग करते थे यहाँ पे, कोई मतलब डिसीजन लेने होते थे प्राइवेट में अपने बड़े बड़े ऑफिसर से पूछ के वो यहाँ लिए जाते थे। चलते हैं अंदर, यहाँ से रास्ता अंदर जाने के लिए, ऊपर आने के लिए सीढ़ियाँ थी और ऊपर चढ़ के देख रहे हो भाई यहाँ से चेक करो। तो भाई जैसा कि मेहताब बाग से व्यू आता था ताजमहल का, तो और सामने आपको ताजमहल दिख रहा होगा। तो भाई ये जो सामने सिंहासन है ये जहांगीर का सिंहासन है, और इस सिंहासन की कुछ अलग ही स्टोरी है जो कि इस पे मेंशन की गई है कि
ये शहजादे सलीम ने इलाहाबाद में 1602 में बनवाया था, जब उसने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था तब ये बनवाया था 1602 में। उसके बाद 1605 में भाई वो बादशाह बन गया था, लेकिन ये जो सिंहासन है ये इलाहाबाद में ही पड़ा रहा था। 1610 में इसे यहाँ लाया गया भाई, इतने दिनों तक वहीं पड़ा रहा था, 1610 में लाया गया। लेकिन इसके अंदर एक क्रैक भी आ गया, आपको मैं दिखाता हूँ पूरा क्रैक यहाँ से लेके वहाँ तक है। भाई देखो हम यहाँ आके खड़े हुए हैं, यहाँ पे बड़ी ठंडी हवा चल रही है, बस सामने ताजमहल है और उधर देखो उधर जो वो जो स्क्वायर टाइप बना हुआ है उसके अंदर घास को कटिंग करके लिखा हुआ आगरा फोर्ट इंग्लिश में और उधर की तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। भाई आगे देख रहे हो कितना गहरा वो खाई टाइप की होगी, वहाँ इसलिए बनवाई गई थी क्योंकि हमला वगैरह हो अब उनको प्रॉब्लम हो ऊपर आने में, और ये काफ़ी ऊंची दीवार है, लगभग 1-2 मंजिल ऊंची दीवार होगी। जो कलम भाई ताजमहल भी गए थे तो ताजमहल भी फाउंटेन नहीं चले थे, यहाँ पे भी फाउंटेन नहीं चल रहे हैं पता नहीं क्यों। ये जो आपके सामने है ये है खास महल, इसके ऊपर जो कारीगरी करी गई है और अंदर का नज़ारा भाई ये है कुछ खास महल अंदर से। आर्ट देख रहे हो भाई उस टाइम भी सब स्टोन के अंदर कटिंग करके बनाया गया भाई। इधर देखो यहाँ हर एक विंडो से देखोगे ना तो आपको ताजमहल दिख जाएगा भाई। खास महल के जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा ये गार्डन जो कि वेल मेंटेन्ड है, ग्रीन कलर की हल्की सी रेडिश कलर की ऐसी कुछ फ्लावरिंग कर रखी है। आपको मैं एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, आपको जो ऊपर विंडो दिख रही है वो बंद है ना आपके सामने देखो है, अब मैं उधर जाऊँगा ना तो उधर से इधर का दिखता है, अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो चलते हैं अंदर और उस साइड से दिखाते हैं आपको भी, उधर से पूरा प्रॉपर दिखता है कोई यूनिक चीज इधर से दिख रहा है प्रॉपर और उधर से तो मुझे लगता है बिल्कुल बंद है भाई क्या खतरनाक चीज बनाई है। अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए थे तो डेवलाइन ने मुझे बताया कि यहाँ से एक इल्यूजन क्रिएट होता है, अगर इस विंडो से आप अगर यहाँ से खड़े होकर दिख रहे होगे तो ताजमहल आपको छोटा दिखेगा, लेकिन आप जैसे पीछे जाते जाओगे ना ताजमहल बड़ा होता जाता है, ऐसा लगता है कि बड़ा हो रहा है लेकिन फोन में ऐसा नहीं दिखेगा। आप आओ तो एक बार ट्राई करना, इस विंडो से पीछे की तरफ आओगे तो ये लगेगा कि ताजमहल बड़ा हो रहा है और आगे आओगे तो लगता है कि छोटा होता जा रहा है। तो गाइस अभी गेट वाले अंकल जी ने जगह बताई है कि आगे एक रूम है जिसके एक कोने पे खड़े होकर आवाज़ दो तो दूसरे कोने में अपने आप आवाज़ चली जाती है, मतलब धीमे से आवाज़ दो दूसरे कोने पर ऑटोमेटिक आप सुन सकते हो क्या बोल रहे हैं हम लोग। ये देखो ट्राई कर रहे हैं भैया जो उधर से बोल रहे हैं और इधर आवाज़ आ रही है, तो ये डेवल इधर से बोल रहे हैं और मैं इधर कान लगा के सुनता हूँ आवाज़ आती है कि नहीं आती। खतरनाक भाई भाई देखो इतना शोर शराबा है तो प्रॉपर तो नहीं सुन पाया, लेकिन तुमने बोला हेलो शिवम भाई आईफोन का कुछ बोला था ना तुमने, इतना सुनने में उसके बाद थोड़ा शोर भाई। अब डेवल भाई ट्राई करेंगे सुनाई दे रहा है ये तुम दोबारा बोलो मेरी तरफ, जब मैं बोल रहा था तो बहुत पब्लिक थी तुम बोल रहे थे तब जल्दी जल्दी मेरे पास उधार नहीं है तो यूनिक जगह तो मुझे यही लगी भाई। अगर आप आगरा फोर्ट आ रहे हो तो आप यहाँ जरूर आना, ये जगह जो है वो खास महल के जस्ट साइड में ये आपको ये पहला रूम मिलेगा, ये वही रूम है जिसमें ये आवाज ऐसे सुन सकते हो आप लोग, तो आप आओ और यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करो। तो भाई जहाँ मैं अभी बैठा हुआ वहाँ ये जो सामने आपके दिख रहा है ये था डांसिंग हॉल बोल सकते हो, जैसे रात में या फिर कुछ फंक्शन होता था तो यहाँ पर डांस वगैरह होता था। ऊपर जो स्तंभ आपको दिख रहा है एक इधर और एक इधर, यहाँ पर राजा अपनी रानी के साथ बैठे करते थे और इधर ये डाइनिंग एरिया है, इधर खाना वाना होता था। इतना घूम लिया आप लोगों ने, कहीं भी डोर नहीं देखे होंगे, बहुत कम जगह पर डोर होते हैं, वैसे नॉर्मल आपको दिख जाएंगे छोटे मोटे, लेकिन वैसे ये लोग ज़्यादातर उस टाइम पर कर्टेंस वगैरह यूज़ होती थी। और आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पर पूरा का पूरा एक ही कलर से हर चीज़ एक ही कलर से है, वो हल्का सा रेडिश कलर का है। ये भाई सिर्फ ये पर्सनल लोगों के लिए था, जो खास से जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे बस वही लोग यहाँ आ सकते थे, वैसे कोई नहीं आ सकता था। और भाई आपके सामने जो कटोरा टाइप दिख रहा है ये बाथटब है जहांगीर का, उस टाइम में जहांगीर का बाथटब गाइस जहांगीर का स्नान कुंड। तो भाई रेड फोर्ट देख के अब यहाँ से निकलना है, इधर से भी स्लोप है भाई चढ़े जब आए थे तब भी स्लोप रहा था, इधर से भी स्लोप है। आगरा फोर्ट से निकलने के जस्ट बाहर ही यहाँ पीएंगे लेमन सोडा, बेकार है इन भैया ने भाई के हाथ में 12 नहीं देख लिया तो भाई ने सीधे ये पूछा बैटरी बैकअप बेकार है इसका, मतलब पूछा नहीं बताया एक तरीके से। तो भाई आ चुका अपना लेमन सोडा, जल्दी से खत्म करते हैं अपन निकलते हैं। जब हम आए थे तो मौसम कितना बढ़िया था यार, अब देखो दोबारा से उतनी धूप हो गई कल जैसी एकदम। बाइक पार्किंग से निकाल लिया और अब जा रहे हैं रूम पे, और इस वीडियो करते हैं यही एंड और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग।